नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप गैलवे शॉप के माध्यम से कैसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के आईडी पर बिलिंग कर सकते हैं और कैसे उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, गैलवे शॉप के अंदर बिलिंग करने का दो प्रावधान है। पहला, आप अपने सेल्फ स्टॉक से बिलिंग कर सकते हैं, यानी कि जो स्टॉक आपके पास पहले से अवेलेबल है उससे बिलिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप ऑर्डर टू कंपनी भी कर सकते हैं। ऑर्डर टू कंपनी का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है जो कि अभी आपके पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसका ऑर्डर टू कंपनी कर सकते हैं। और ऑर्डर टू कंपनी जैसे ही आप करते हैं, उनकी बिलिंग इमीडिएट हो जाती है, तुरंत हो जाती है, और उनका आईपी उनको 30 मिनट्स के अंदर मिल जाता है, और प्रोडक्ट कुरियर के माध्यम से गैलवे शॉप के एड्रेस पे या उनके घर के एड्रेस पे डिलीवर किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम आइए आज हम जानते हैं कि आप किस प्रकार से इसमें ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन ही ऑर्डर पे जाके मुझे जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक ही अगली स्क्रीन खुल जाती है। यहाँ पे मुझे आईडी नंबर डालना है, जैसे कि मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आईडी नंबर एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं आईडी नंबर डाल के एंटर बटन दबाता हूँ, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है, जिसमें ईमेल आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और डिस्ट्रीब्यूटर के मोबाइल नंबर के कुछ अंक पहले से दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक टाइप आपको सेलेक्ट करना है, सेल्फ स्टॉक से आप बिलिंग करना चाहते हैं या ऑर्डर टू कंपनी करना चाहते हैं। तो अभी मेरे पास जो ये व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो मेरे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इनका ऑर्डर ऑर्डर टू कंपनी प्लेस करूंगा। जैसे ही मैं ऑर्डर टू कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डिलीवरी मोड का ऑप्शन आता है कि किस प्रकार से आपको ये प्रोडक्ट की डिलीवरी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेल्फ पिकअप सेलेक्ट करता हूँ। सेल्फ पिकअप का मतलब ये होता है कि आप जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपना प्रोडक्ट आपके गैलवे शॉप के एड्रेस से खुद लेके जाएगा, यानी कि कंपनी उस डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोडक्ट आपके गैलवे शॉप के ऊपर डिलीवर करा देगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल्फ पिकअप सेलेक्ट किया, मुझे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए 5, 5 लिख के मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए मुझे 2, मैंने 2 यहाँ पे लिख के ऐड टू कार्ट कर दिया। कॉम्पैक्ट पाउडर नेचुरल चाहिए मुझे 2, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ग्रीन जेल, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। लाइक आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन जेल टूथपेस्ट सर्च कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन जेल टूथपेस्ट आ गया। यहाँ पे मैंने 5 क्वांटिटी डाली और ऐड टू कार्ट कर दिया। और जैसे ही मैं इसे हटा दूंगा, वापस से सारे प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मुझे कोई और प्रोडक्ट भी सर्च करना है तो वो मैं सर्च कर सकता हूँ। मैंने ये 2 प्रोडक्ट परचेज कर लिया, फिर यहाँ पे 2 मैंने ये प्रोडक्ट भी परचेज कर लिया। अगर आप चाहें तो बिना क्वांटिटी मेंशन करें ऐड टू कार्ट भी डायरेक्ट करके प्रोसेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सारे प्रोडक्ट की एक समरी बन के आ जाती है मेरे सामने कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मैंने किस किस क्वांटिटी में खरीदा है और उनका अमाउंट कितना बनता है। साथ में आईपी भी कैलकुलेट हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेट, आईपी, क्वांटिटी, अमाउंट और टोटल आईपी। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे आ रहा है साहब सभी चीज़ों का टोटल 2399 रुपये, जो कि पेमेंट करना है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये डिटेल आ जाती है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ। और इस प्रकार से अब पेमेंट मोड है यहाँ पे। पेमेंट मोड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर किस प्रकार से इसकी पेमेंट करना चाहता है। ई क्रेडिट से करना चाहता है तो आप ई क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसकी पेमेंट जी मनी से करना चाहते हैं, ध्यान रहे, वापस से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप ऑर्डर टू कंपनी कर रहे हैं और उनकी पेमेंट ई क्रेडिट से नहीं होनी है, तो आपके जी मनी में बैलेंस होगा तभी आप ऑर्डर टू कंपनी कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप ऑर्डर टू कंपनी करें आपके जी मनी में बैलेंस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जी मनी सेलेक्ट किया और जी मनी सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पेबल अमाउंट कितना है, 2399। जी मनी बैलेंस मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, अमाउंट कितना लिया मैंने, 2399। अगर उनके ई क्रेडिट से और दोनों तरीके से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटर अगर दोनों तरीके से पेमेंट करना चाहता है, जैसे कि कुछ पैसा उनके ई क्रेडिट में है और कुछ पैसा वो डायरेक्ट कैश पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। अभी चूंकि क्रेडिट नहीं है, मैं डायरेक्ट कैश में पेमेंट कर जी मनी से पेमेंट करूंगा, तो मैंने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया और फाइनल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। जैसे ही मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ,
आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक छोटी सी ऑर्डर समरी जनरेट हो गई और बिलिंग भी हो गई उनकी। थैंक यू। तो ये प्रोसेस है आपका ऑर्डर टू कंपनी के बिलिंग, आप किस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।